राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कोटा जिले में प्रवेश से पहले ही बवाल खड़ा हो गया है। जब भाजपा के कार्यकर्ता राहुल गांधी को कर्ज माफी के संबंध में ज्ञापन देने जाने लगे तो पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आवा चौराहे से पहले ही रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं की यात्रा तक पहुंचने को लेकर काफी बहसबाजी हुई। बीजेपी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें पूर्व विधायक और मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हीरा लाल नागर सहित 10 से अधिक कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। लाठीचार्ज होते ही कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई और वह बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। वह बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है कि वह राहुल गांधी को उनका वादा याद दिलाने जा रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता इसके बाद आवा चौराहा पर ही धरने पर बैठ गए और अपना विरोध दर्ज करवाया। वहीं राहुल गांधी को कर्ज माफी का ज्ञापन देने की मांग पर अड़े बीजेपी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह गिरफ्तार नेताओं में पूर्व विधायक हीरा लाल नागर, प्रधान जयवीर सिंह, अमृत कुमार समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल है, जिन्हें पुलिस वाहन में बिठाकर अनियंत्रित जगह पर ले जाया गया। लाठीचार्ज में कोटा नगर निगम के पार्षद सोनू धाकड़ के हाथ पैर पीठ में लाठी लगने से चोट लगी और मोबाइल भी टूट गया।